जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे सो की बड़ी खबर के साथ। आपके सामने मौत है जहां पर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 में बिगुल फूकने वाली है। बताएंगे आपको वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी गई है। दोस्तों बताएंगे आपको इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या फैसला लिया गया है। इसी के साथ में सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म विकिपीडिया पर भी किए जा रहे अपडेट को लेकर उठ रहे हैं कई सारे सवाल की क्या हो चुका है चुनावी रण की तैयारी का पूरा इंतजाम। कांग्रेस पार्टी उतरने वाली है मैदान में, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ जहां पर ममता बनर्जी ने प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का सुझाव दिया है। उन्होंने आइडिया देते हुए प्रियंका गांधी को अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए कह दिया है। दोस्तों 2019 के अंदर भी प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर जबरदस्त चर्चाएं चल रही थी। चर्चाओं को हवा देते हुए एक बार फिर से ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि वो चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़वाए। प्रियंका गांधी ने इस पर हालांकि कोई अपनी ओर से खुलासा नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आलाकमान की ओर से बुलाई गई उत्तर प्रदेश बड़े नेताओं की बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पार्टी मजबूती के साथ यूपी का चुनाव लड़ने जा रही है और राहुल गांधी ने भी यूपी से चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के पास अमेठी और रायबरेली दोनों जगह से चुनाव लड़ने का विकल्प है। अगर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ती है और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते और बल्कि दक्षिण भारत के किसी राज्य से चुनाव लड़ते हैं तो दोनों सीटें प्रियंका गांधी के पास रहेंगी। चुनाव कहीं से भी वो लड़ सकती है। सोनिया गांधी के पास तेलंगाना से भी विकल्प आ रहा है, यानी तेलंगाना कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव पारित करते हुए सोनिया गांधी को तेलंगाना से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। प्रियंका गांधी अपने ससुराल मुरादाबाद या फिर गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले प्रयागराज, जहां से जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतकर कई बार आए हैं, फूलपुर की सीट वहां से भी चुनाव लड़ने के ऑप्शन को देख रही हैं। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक मजबूत दावेदारी पेश करेंगे अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरती है तो। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच में वाराणसी सीट पर अगर आप सर्च मारेंगे तो विकिपीडिया पर अपडेट करते हुए लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतार रही है, यानी मई में होने वाले चुनाव से पहले यह दावा किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन में भी प्रियंका गांधी को आगे करने की बातें चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि हवाओं में इस बात का जोर है कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के खिलाफ जोरदार तरीके से मुकाबले में उतरना चाहिए और अगर आज से कांग्रेस पार्टी वाराणसी सीट पर मेहनत करे तो बीएसपी वैसे भी वाराणसी की सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारती तो इंडिया गठबंधन मजबूती से दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी का गठबंधन रहेगा। अपना दल कमेरावादी भी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है तो वो भी प्रियंका गांधी के साथ आकर खड़े होंगे और इसके बाद नीतीश कुमार की भी रैलियां करा के कुर्मी वोटों को भी एकजुट किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर इंडिया गठबंधन यहां से एक ही उम्मीदवार उतारे तो कम से कम 40% वोट तो इनके पास रखे हुए हैं, यानी इंडिया गठबंधन के पास रखे हुए हैं। बाकी की 10% से ज्यादा सीट प्राप्त करने के लिए 5 महीने तक लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। वाराणसी में एक नए समीकरण को घटना पड़ेगा जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लोग जब अपने आप को चुनाव हारता वाराणसी में देखेंगे तो बीजेपी बड़ी संख्या में रैली लगवाएगी प्रधानमंत्री मोदी की और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी कटौती होगी। कुल मिलाकर दोस्तों प्रियंका गांधी को यहां से चुनाव लड़वाना एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पिछले एक हफ्ते के अंदर 150 के आसपास विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया है और उल्टा बीजेपी विक्टिम कार्ड खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के चेयरमैन भी है वो दावा कर रहे हैं कि उनकी मिमिक्री की गई, टीएमसी के सांसद के द्वारा उन्हें बदनाम किया गया, उनके समाज का अपमान किया गया, उपराष्ट्रपति के पद का अपमान किया गया है। हालांकि दोस्तों मिमिक्री संसद के बाहर की गई है तब सवाल खड़ा होता है कि आखिर जगदीप धनखड़ का अपमान कैसे हो गया। कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ उल्टा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जब उनको यह जवाब देना चाहिए कि उन्होंने विपक्ष के इतने सारे नेताओं को क्यों सस्पेंड किया है, क्यों सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं, तो उल्टा विक्टिम कार्ड खेल के मामले को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दावा करते हैं क्योंकि वो जाट समाज से हैं इसीलिए उनका अपमान किया जा रहा है। इसी के साथ में अजीत अंजुम ने भी लोकसभा के सदस्यों को बार बार सस्पेंड किए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकसभा में अब विपक्ष के सिर्फ 43 सांसद बचे हैं, आज इन्हें भी एक झटके में सस्पेंड कर देना चाहिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यह अमृतकाल की नई संसद है, कोई मामूली बात थोड़ी है। जय हिंद। कुल मिलाकर तंज कसा गया है दोस्तों। वहीं पर इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद क्या लालू यादव और नीतीश कुमार नाराज थे, इस पर जवाब देते हुए इंडिया गठबंधन के बड़े नेता और सांसद आरजेडी के मनोज झा ने कहा कि लालू और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज होकर नहीं गए हैं, ये पूरी तरीके से गलत जानकारी है। झा ने आगे कहा कि क्या भूत प्रेत आकर ये जानकारी आप लोगों को देते हैं, कोई भी नाराजगी नहीं है। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार प्रेरणादायक है इस गठबंधन के लिए और लालू यादव अभिभावक के रूप में कार्य कर रहे हैं, दोनों की नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, मीडिया वालों को शायद भूत प्रेत आकर ये बातें बता रहे हैं। साथ साथ दोस्तों जगदीप धनखड़ का कहना है कि क्योंकि वो जाट समाज से आते हैं तो उनकी मिमिक्री करके जाट समाज का अपमान किया गया है। इस पर सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि दो घटनाएं मैं जनता को याद दिलाना चाहता हूं। पहला, 700 से ज्यादा किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर अपनी जान दे दी आंदोलन के कारण, जिसमें ज्यादातर जाट समाज के लोग थे, क्या जाट का अपमान वहां पर नहीं हुआ। यौन शोषण का शिकार महिला पहलवानों ने दिल्ली में धरना दिया, अधिकांश जाट महिलाएं थी, तब बीजेपी पार्टी को जाट समाज का सम्मान याद नहीं आया। आज जब एक उपराष्ट्रपति अपने पद की गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं दिखा रहा है, उनकी मिमिक्री की जा रही है, तो जाट समाज का सम्मान याद आ गया है। याद रखिए कृषकों में भोली भाली होती है लेकिन मूर्ख नहीं होती। कुल मिलाकर दोस्तों किसानों का अपमान भी बता रहे
रहे थे जगदीश धनखड़, जबकि उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इतने सारे सांसदों को क्यों सस्पेंड कर दिया। इसमें विपक्ष के सांसद है, कोई जाट समाज से आता है, कोई दलित समाज से आता है, तो क्या उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर देश के सारे बड़े समाजों का अपमान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सस्पेंड तो सारे सांसदों को किए हैं। दरअसल दोस्तों, इस स्तर पर उतरकर जातिवाद की राजनीति की जाएगी, ये लोगों को नहीं पता था। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति अपनी जाति का कार्ड खेल रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना।